हेलो दोस्तों, दोस्तों क्या आपने कभी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे किसी चीज के बारे में सुना है जो कि ब्रह्मांड का एक पार्ट होने के बावजूद उससे भी पुराना हो? दोस्तों इससे मिलिए, इस स्टार का नाम है HD140283, जिसको मैथ्यूसिला स्टार भी कहा जाता है। दोस्तों ये हमारे यूनिवर्स का सबसे पुराना स्टार है। दोस्तों साइंटिस्ट के हिसाब से इसका जन्म लगभग 14.5 बिलियन ईयर्स यानी कि 1450 करोड़ साल पहले हुआ था, जो कि इसका सबसे अजीब बात है, क्योंकि साइंटिस्ट के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड यानी कि हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स यानी कि 1380 करोड़ साल पहले हुआ था, जिसके बाद छोटे से छोटे अणु से लेकर बड़े से बड़े गैलेक्सीज, स्पेस, टाइम और लाइफ का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हमारे यूनिवर्स पर मौजूद कोई भी चीज़ स्पेस, टाइम और तो और सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा यूनिवर्स के पहले से एग्जिस्ट कर सकता है? तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम हमारे यूनिवर्स का सबसे पुराना स्टार मैथ्यूसिला स्टार के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कैसे एक स्टार का एज मेजर करा जाता है और कैसे ये स्टार हमारे यूनिवर्स का एक पार्ट होते हुए भी हमारे यूनिवर्स से पुराना हो सकता है। दोस्तों साइंटिस्ट इस स्टार को 100 सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर भी आज तक उन्हें इस स्टार के बारे में इतना कुछ पता नहीं चल पाया था, लेकिन रिसेंटली उन्हें इस स्टार के बारे में कुछ बातें पता चले हैं। दोस्तों ये स्टार HD140283 हमारे पृथ्वी से लगभग 190.1 लाइट ईयर्स दूर लिब्रा कॉन्स्टिलेशन में मौजूद है और 13 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव कर रहा है। दोस्तों तब तक इस स्टार के ऊपर किसी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था जब तक साइंटिस्ट ने इस स्टार का एज मेजर नहीं किया था, लेकिन ईयर 2000 में साइंटिस्ट ने इस स्टार कितना पुराना है वो जानने की कोशिश की, जिससे उनको पहले ये पता चला कि इस स्टार का एज लगभग 16 बिलियन ईयर्स यानी कि 1600 करोड़ साल है, जो कि सबका होश उड़ा दिया, क्योंकि उनके कैलकुलेशन के हिसाब से इसका एज हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स से भी 220 करोड़ साल ज्यादा था। दोस्तों पहले तो साइंटिस्ट को ये बात भरोसा ही नहीं हुआ कि इस स्टार का एज पूरा का पूरा ब्रह्मांड से भी इतना ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने इस स्टार के ऊपर और भी रिसर्च करना शुरू कर दिया। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर हार्वर्ड बॉन्ड उनके टीम मेंबर्स के साथ मिलकर इस स्टार के ऊपर रिसर्च स्टार्ट की। उन्होंने स्टार से रिलेटेड 11 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन का रिपोर्ट कलेक्ट किए, जो कि हबल टेलीस्कोप के द्वारा 2003 से लेकर 2011 के बीच में लिया गया था, जिससे उनको इस स्टार का पोजीशन, डिस्टेंस और उसका एनर्जी के बारे में पता चल सके। साथ ही साथ उन्होंने 6 महीनों तक उस स्टार का पैरेलेक्स इफेक्ट के ऊपर स्टडी किया। दोस्तों पैरेलेक्स इफेक्ट क्या है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन इससे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों बस इतना जान लीजिए, इससे उस स्टार का ब्राइटनेस हमें कितना दूर से कितना दिखता है इसका एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है, जिससे उस स्टार का ब्राइटनेस और वहां से लेकर हमारे अर्थ तक का डिस्टेंस का रेशियो कैलकुलेट किया जा सके, जिससे उस स्टार का एज कितना है वो एस्टिमेट करा जाता है। क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है एक स्टार का एज जितना बढ़ता जाता है उसका ब्राइटनेस उतना कम होता जाता है, इसीलिए उन्हें किसी भी स्टार का एज पता लगाने के लिए उन्हें उस स्टार का ब्राइटनेस और डिस्टेंस का रेशियो पता होना बेहद जरूरी है। दोस्तों स्टार्टिंग में इसी से इस स्टार का एज एस्टिमेट करा गया था, लेकिन वो इस मेजरमेंट से सहमत नहीं थे, जो कि उस स्टार का एज 1600 करोड़ साल बता रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में उस स्टार का एज उस स्टार में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन के स्पीड से मेजर करा गया था। दोस्तों साइंटिस्ट के हिसाब से जिस स्टार के कोर में हाइड्रोजन कंजप्शन जितना ज्यादा होता है उस स्टार का एज उतना ही कम होता है, और उस स्टार का एज बढ़ने के साथ साथ उसके कोर में हाइड्रोजन के बदले हीलियम का फॉर्मेशन होता है, जो कि हाइड्रोजन के बदले स्टेलर फ्यूल की तरह काम करता है, जिसकी वजह से करोड़ों साल के बाद उस स्टार का लाइट या फिर यूं कहिए उस स्टार का ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होता जाता है। दोस्तों साइंटिस्ट के हिसाब से ये मैथ्यूसिला स्टार का ब्राइटनेस कम होता आ रहा है, और उनके इसी कैलकुलेशन के हिसाब से ये स्टार 1600 करोड़ साल पुराना हो सकता है, लेकिन क्योंकि इस मेथड से कैलकुलेट करा गया एज इतना एक्यूरेट नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने स्टार का एज पता लगाने के लिए कोई दूसरा क्लू ढूंढने लगे। दोस्तों ताकि साइंटिस्ट स्टार का एज और भी एक्यूरेटली पता लगा सके, इसके लिए उन्होंने और एक तरकीब ढूंढ निकाला, जो कि ऑक्सीजन से रिलेटेड था। दोस्तों यूनिवर्स के शुरुआती टाइम में ऑक्सीजन ना के बराबर था, लेकिन मैथ्यूसिला स्टार में ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट के रेशियो नॉर्मल से ज्यादा पाया गया। इसके अलावा उन्हें और भी कई क्लू मिले जिससे वो स्टार का एज मेजर कर सकें, और इन्हीं सारे क्लू से मिले डेटा से साइंटिस्ट ने स्टार का एज फिर से कैलकुलेट किया, जिससे उन्होंने स्टार का एज
14.46 बिलियन ईयर्स यानी कि 1446 करोड़ साल पाया, जो कि पहले से 154 करोड़ साल कम था। फिर भी यह नंबर हमारे यूनिवर्स के एज से काफी ज्यादा था और उन्हें तब तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। फिर ईयर 2014 में और एक स्टडी से साइंटिस्ट ने स्टार का एज और भी कम पाया, जो कि 14.27 बिलियन ईयर्स यानी कि 1427 करोड़ साल था। और छोटी मोटी एरर को ओमिट करने के बाद स्टार का एज उन्होंने राउंड अप करके 14 बिलियन ईयर्स यानी कि 1400 करोड़ साल कंक्लूड किया। फिर भी यह हमारे यूनिवर्स से 20 करोड़ साल ज्यादा निकल के आता है। दोस्तों, इन दोनों का एज गैप इतना कम होने के बाद हार्वर्ड बॉन्ड के हिसाब से उनसे और भी कोई गलती हो रहा है, जिससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि स्टार का जन्म बिग बैंग के जस्ट कुछ साल के अंदर ही हुआ होगा। चलो, थोड़ी राहत मिली और ये कहानी यहीं खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए, यहाँ और एक स्टडी निकल के आया जो कि इन एस्ट्रोनॉमर्स का होश उड़ा दिया। दोस्तों, ईयर 2013 में प्लैंक स्पेस टेलीस्कोप से मिली डेटा के हिसाब से हमारी यूनिवर्स का एज, जो कि हम पहले 13.8 बिलियन ईयर्स मान के चल रहे थे, उसका एज लगभग 11.4 बिलियन ईयर्स यानी कि 1140 करोड़ साल निकला। दोस्तों, ये कैलकुलेशन हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट से निकाला गया था। दोस्तों, ईयर 2000 तक साइंटिस्ट का ये मानना था कि हमारे यूनिवर्स 67.4 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड में एक्सपांड कर रहा है, जिससे साइंटिस्ट हमारे यूनिवर्स का एज 13.8 बिलियन ईयर्स एस्टिमेट किए थे। लेकिन रिसेंट स्टडीज से उनको ये पता चला कि हमारे यूनिवर्स 74 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में एक्सपांड कर रहा है। उसके बाद साइंटिस्ट और भी बारीकी से इसके ऊपर स्टडी किए, जिससे उनको ये पता चला कि हमारे यूनिवर्स और भी ज्यादा स्पीड से यानी कि 82.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में एक्सपांड कर रहा है, जिसके वजह से साइंटिस्ट हमारे यूनिवर्स का एज 11.4 बिलियन ईयर्स यानी कि 1140 करोड़ साल पाया। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट जितना बढ़ता जाता है, हमारे यूनिवर्स का एज उतना कम होता जा रहा है। दोस्तों, अभी शायद आप सभी के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि कैसे हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट यानी कि हमारे यूनिवर्स कितने स्पीड में एक्सपांड कर रहा है, इसको कैसे पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, एक्सपेंशन रेट ऑफ यूनिवर्स, जिसको हॉबल कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसको मेनली दो तरीकों से मेजर करा जाता है। दोस्तों, पहला है रैलिक रेडिएशन को स्टडी करके और दूसरा है दो गैलेक्सीज के डिस्टेंस को मेजर करके। पहले मेथड के चलते दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ और उसी बिग बैंग जैसी बड़ी इवेंट के चलते एक लाइट का रेडिएशन निकला, जिसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और रैलिक रेडिएशन कहा जाता है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स इसके ऊपर रिसर्च करके इसी माइक्रोवेव रेडिएशन का एक मैप बनाया है, जिससे उनको अर्ली यूनिवर्स का कॉम्पोजिशन और उसका एक्सपेंशन स्पीड के बारे में पता चलता है। दोस्तों, दूसरा मेथड ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स दूसरे स्टार्स, गैलेक्सीज और सुपरनोवे जितने मौजूद हैं उनके ऊपर स्टडी करते हैं और वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे चीजें हमसे जितना दूर मूव करते हैं उनका लाइट का चमक हमें उतना कम दिखता है, जिससे साइंटिस्ट यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट मेजर करते हैं। दोस्तों, यही सारे लफड़े शुरू होते हैं। दोस्तों, पहले मेथड के हिसाब से हमारे यूनिवर्स का एज 13.8 बिलियन ईयर्स था, लेकिन दूसरे मेथड से अगर कैलकुलेट करा जाता है तो हमारे यूनिवर्स का एज और भी कम यानी कि 11.4 बिलियन ईयर्स निकल के आता है। दोस्तों, अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्पीड हमारे यूनिवर्स का एज कैलकुलेट करने में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि शायद हमारे यूनिवर्स अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड में एक्सपांड कर रहा है, या फिर हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट डार्क मैटर से प्रभावित होता है। लेकिन इन सारे थ्योरीज को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है और किसी के पास इसका ठोस सबूत भी नहीं है। दोस्तों, जो भी हो, HD 140283 यानी कि मेथुसिला स्टार आज भी हमारे यूनिवर्स से पुराना है और इसका एज हमारे यूनिवर्स से ज्यादा है, एटलीस्ट तब तक जब तक कि साइंटिस्ट टाइम और तो और इसके डार्क एनर्जी और उसके मिस्टीरियस पार्टिकल का रहस्य पता ना लगा दें। या फिर शायद जब बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, उससे पहले ही ये स्टार एग्जिस्ट करता होगा। दोस्तों, अगर ऐसा है तो क्या सिर्फ ये स्टार या फिर इस स्टार के साथ साथ और भी कुछ एग्जिस्ट करता होगा? इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर से बताना, और बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, जिससे मुझे इस तरह का वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजियस वीडियो और भी देखना है तो हमारा चैनल फैक्ट इन्वेडर को सब्सक्राइब करके साइड में बने बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे और एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।